अरे डॉक्टर साहब, हमको दवा दे दो, हम जाएं, हमको भूख लगी है बहुत तेज। काहे परेशानी बताओ। अरे परेशानी डॉक्टर साहब यही है कि हमको भूख नहीं लगती। अच्छा, दारू वारू तो नहीं पीते हो? अरे नहीं डॉक्टर साहब, दारू वारू तो नहीं पीते हैं, कभी कभी कोई रिक्वेस्ट कर ले बहुत तो पी लेते हैं बस। अच्छा, ये कौन है साथ में तुम्हारे? रिक्वेस्ट अरे इन्हीं को तो रखा है रिक्वेस्ट करने के लिए। करने के लिए आदमी रखे हो तो रोज पीते होगे फिर? अच्छा नहीं, फालतू बात ना करो, जब जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तभी पीते हैं ये। अच्छा, और तुम रिक्वेस्ट कब कब करते हो? रिक्वेस्ट हम रोज ही करते हैं, रोज करते हैं ना भैया, ना ना ना, रोज 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 नहीं करते। रोज पिलाने के लिए पैसा है तुम्हारे पास? बात करते हैं, तुम्हारे नाना देख के जाते हैं क्या? एक जुगाड़ बताएं, हम तो कह रहे हैं नया बिजनेस स्टार्ट कर लो। हेलो, ये बताओ बताओ क्या बिजनेस कह रहे थे तुम? अरे हम कह रहे हैं कि एक ऑटो खरीदो, उससे दूसरा ऑटो खरीदो, उससे तीसरा खरीदो, और ऐसे ऐसे करके 500 ऑटो खरीद लो, और फिर 500 ऑटो बेच के एक बस खरीद लो, बस बेच के ट्रेन खरीद लो, ऐसे ऐसे करके हम अंबानी तक पहुंच जाओगे। हाँ बात तो सही कह रहे हो, तो क्या करें, ऑटो खरीदें चल के पहले एक? हाँ चलो चलो ऑटो खरीदो पहले एक। चलो फिर, कितना पैसा रखे हो? पैसा तो 30 रुपया है मेरे पास। ए, पहले 100 रुपया हमारी फीस दे दो, तब ऑटो खरीदने जाके। अरे डॉक्टर सुनो, हमारे पैरेन में होता है बहुत दर्द, हम रोज फुटबॉल खेलते हैं तब तब होता है। कितनी देर खेलते हो फुटबॉल बताओ? ऐसे नहीं बताएंगे, कान में बताएंगे। बताओ आके। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतना गुस्सा काहे रहे हो? अरे कह रहा है जितनी देर फोन में बैटरी रहती है उतनी देर फुटबॉल खेलते हैं गेम में। अरे एक जुगाड़ बताएं, इसको सुई उई लगा दो बस दिमाग सही हो जाए। अरे कम मौजलो नहीं डॉक्टर, बस सुई उई लगा देगा तुम्हारे दिमाग तुम्हारा सही हो जाएगा। क्या लगा देगा? सुई उई। रुको बेटा, अभी लगाते हैं सुई उई, रुको। अरे इनके हिस्से भी सुई उई हमारे ही लगाई दोगे क्या? हमको इतना बता दो डॉक्टर साहब, हमारे जोड़े में इतना दर्द क्यों रहता अरे है? पगलू जोड़ा भगवान बना भेजता है, दर्द तो रहेगा ही। अरे भैया कुछ खाने दे दो भैया, हमको क्या चाहिए बताओ। अरे कुछ भी दे दो खाने को, कल की रोटी खा लोगे? हाँ हाँ भैया दे दो, भैया भैया बहुत बहुत भूख लगी है भैया, दे दो दे दो, कल की रोटी दे दो भैया। तो चलो कल आना फिर जब बनेगी। तुम्हारे बेटा प्लास्टिक का किरवा पर ही देखो तुम का हो, तुम्हारा हालत मरद दे रही थी। अरे तुम टेंशन ना लो डॉक्टर साहब, है प्लास्टिक का कीड़ा निकाल देंगे। अरे यार तुम लोग को पगलैती छाई तब से कह रहे हैं प्लास्टिक प्लास्टिक कीड़ा हम कहाँ निकालते हैं, चलो निकलो यहाँ से, इलाज उलाज नहीं होगा तुम्हारा, चलो हटो हटो। अरे यार डॉक्टर, अरे यार हमको दस्त भी बहुत पड़ती है। अच्छा, कितनी पतली हो रही है? अरे पतली तो इतनी हो रही है कि तुम उससे कुल्ला कर लोगे। सुई लगाए, लगाए सुई, सुई लगा, 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 लो लो लगाओ, लो सुई लगाओ, लो तब से सुई 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 अपनी इच्छा पूर्ति कर लो, तब से सुई 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 करे हो। बेटा ये सुई जो है ना, ये बच्चों खेलने वाली सुई है, हम जो सुई लगाते हैं उसमें आगे चोंच निकली होती है नुकीली नुकीली। अरे डॉक्टर ये वो नहीं लगवाएंगे फिर तो हम कोई नहीं लगा पाएंगे, चलो हटो निकलो यहाँ। अरे तो हम फीस भी तो नहीं देंगे फिर तुमको, अपना ऐसी तैसी में जाओ। नहीं भैया, ऐसी तैसी में मत जाना भैया, डॉक्टर हम एक बार गए हैं। बताओ तुमको क्या दिक्कत है? हमको पहचाने? अरे ये तो हमारे पापा, रे रे हम तो अपने पापा पहचान गए, रे रे लाओ लाओ भाई आर्थिक थाल लाओ, हमारे बाप आ गए, रे रे रे, अरे आर्थिक थाली लाओ भैया सब लोग। हम यहाँ सबसे बड़े सबसे बड़े सबसे बड़े हाइट वाले व्यक्ति के लड़के हैं। हमको सोने के बाद नींद नहीं लगती, और खाने के बाद भूख नहीं लगती, और रोते टाइम हंसी नहीं आती। ऐसा करो, रात को कड़ी धूप में बैठ जाना, सब सही हो जाएगा। भैया अगर यही सब मामला है तो डॉक्टर वाली फीस हमको दे दो, सब लोग ठीक हो जाओगे। कंपाउंडर, कंपाउंडर क्या है चिल्ला रहे हो तब से? तुमको सैलरी हम यहाँ रहने के लिए दिए है ना? नहीं। अच्छा तो फिर किस लिए सैलरी मिलती है तुमको? सैलरी तुम देते हो कि हम? यार इसको पगलैती नहीं, नहीं ये बता, तुम फिर सैलरी हम देते हैं कि तुम देते हो? हम देते हैं। अरे तब क्यों देते हो ये तुमको पता होगा ना, हम कैसे बता दें हम, हमको सैलरी काहे देते हो? तो वहाँ क्या कर रहे हो?
रहे थे यार, नींदू लगी थी बहुत देर से, दिन भर खाना। चलो अब इनको भी प्लास्टर चढ़ाओ डॉक्टर। अरे नहीं, टूटा नहीं है। बता, इतना सुंदर सुंदर चेहरा बिगाड़ लिए। ये तुमको सुंदर लग रहा है? ये तुमको सुंदर लग रहा है? बेटा हमसे ज्यादा सुंदर यहाँ कोई है नहीं, समझे? यहाँ पीछे पिक्चर देख लो हमारी लगी है। सुंदरता तो असली पिकपॉक में दिखती क्या, है। क्या 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 पिकअप 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 नहीं पिकपॉप। ये क्या होता है भैया? ये एक बेस्ट फोटो एडिटर ऐप है। अच्छा, तो इसमें तो बहुत पैसा लगता होगा। पैसा नहीं लगता है, जो दूसरे ऐप्स में फिल्टर में पैसा लगता है ये उसमें सारी फ्री है। फ्री में जाओ, इसमें केवल एग्रीमेंट एक्सेप्ट करो और उसके बाद फोटो डालो, सारी एडिटिंग फ्री में करो। ये देख लो, इसमें ऐसे ऐसे करके कलर चेंज कर सकते हो, सारी फिल्टर्स इसमें सारे फ्री है, बिल्कुल फ्री, नो पेड कॉस्ट। हर तरह की एडिटिंग इसमें मिल जाती है, हर तरह के फिल्टर मिल जाते हैं, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि तुम करिया हो। बैकग्राउंड साकग्राउंड सब चेंज कर सकते हो। ए भैया भैया, हमारी भी बनवा दो भैया। अरे खुद बना सकते हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर डाउनलोड करो, बनाओ। इनको देख रहे हो करिया करिया बैठे हैं, लेकिन फोटो देखो कितनी सुंदर लगी है। तुमको हम ऐसी दवा देंगे ना कि तुम फिल्टर में भी खुद को नहीं चेंज कर पाओगे बेटा। हमको पहचाने? तुम बीमारी बताओगे या खड़े रहोगे हमारे सर पे? चिल्लाओ मत, मुझे जानते नहीं हो अभी, मैं कौन हूँ? तब से सुन रहा हूँ तुम्हारा, टाँ 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 किए हो। हमारे पीछे एक ऐसा आदमी है ना कि तुमको हॉस्पिटल सहित उठवा लूंगा। कौन है भैया तुम्हारे पीछे? रणविजय सिंह। रणविजय सिंह को जानते हो? पता नहीं भैया कौन है। मेरे सर में बहुत दर्द है। जाइए सिटी स्कैन करवाइए कंपाउंडर। अब मेरा कान का पर्दा ना फाड़ो, समझे? यहीं खड़े तुम्हारे पीछे, बताओ क्या? कुछ नहीं, हम खुद ही जा रहे हैं सिटी स्कैन करवा ला रहे हैं इनका। तुम एक नंबर पागल आदमी हो, तुम्हारा कौन काम करेगा? सर उनका दर्द हो रहा है, स्कैन पूरे सिटी करवाओगे? कपड़िया कैसे टूटेगी, उठा के पटक के टूटेगी। क्या फालतू बात कर रहे हो, कहाँ बढ़िया गाए हैं, फिर से गवाओ, दूसरा गाओ डॉक्टर, ये सही नहीं था। ए, किसी को पता है क्या खोपड़िया कैसे टूटेगी? जान बैठे बैठे गाना गाए रहे हो ना, हमका पता है खोपड़िया कैसे टूटेगी। मेरा कुछ करो, नहीं मैं जाऊँ हॉस्पिटल सहित तुमको उठवाऊ। कंपाउंडर चला, कंपाउंडर 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 जा रहे हम नौकरी छोड़, करो अपन काम। अरे दादा गाली दे दिया, तब भी तो कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्या पता भैया ये हॉस्पिटल उसी कंपाउंडर का हो। क्यों भैया, उसी कंपाउंडर का तो नहीं हॉस्पिटल है? अभी कहो, कह दे। हाँ ए, हमको तुमसे एक चीज पूछनी थी। क्या बताओ? अरे कह रहे हैं कोई बिजनेस हो तो बताओ बढ़िया। अब बिजनेस तो है, तुमको काहे करना है? अरे इस डॉक्टर वक्त नौकरी लात मारेंगे खींच के, तब बिजनेस शुरू करेंगे जाके अपना। अरे एक ऑटो खरीदो, उससे प्रॉफिट हो, उसका दूसरा ऑटो खरीदो, उससे प्रॉफिट हो, ऐसे पांच।